नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बहुजन समाज पार्टी के सिरमौर के प्रत्याशी बीडी पांडे ने आज रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनका साफ तौर से कहना था, ये कैसा विकास है जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, अस्पताल नहीं, मूलभूत सुविधा नहीं, आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरीके का विकास सिमरिया को नहीं चाहिए। हमें साफ सुथरी सड़क, अस्पताल चाहिए जिससे वहां पर बेहतर तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर सकें। सुनिए बीडी पांडे ने क्या कुछ कहा। देखिए क्या है कि पुलिस की सेवा में भी जो है जनता की सेवा है, समाज की सेवा है, और ये राजनीति की सेवा में भी जो है इसमें भी जनता की सेवा करनी है, और ये बहुत अच्छा है। मैं तो इसके लिए बहुत ही मतलब है अपनी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे जो है पार्टी का जो है टिकट दिया है। मैं जो है तो जनता की सेवा के लिए ही इस क्षेत्र में आया। देखिए साहब क्या है, इन 76 सालों में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, लेकिन इन 76 सालों में अभी 60% गांवों में रोड रास्ते नहीं हैं। अगर कोई प्रसूता महिला, किसी की प्रसूता महिला को ले जाना हो तो बहुत से स्थानों पर जो है चारपाई पर लेके जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रसूता महिलाओं की जो है ले जाते वक्त ही प्रसूति हो गई है। इसी प्रकार से जो है बीमार आदमी, जिन बीमार आदमियों को जो है उनको भी बहुत से स्थानों पर जो है चारपाई पर ले जाते हैं लोग जो है, और चारपाई पर ले जाते वक्त जो है बहुत से बीमार आदमी जो है बीमार आदमियों का दम घुट गया है, समझिए। मैं इससे बहुत व्यथित हूँ, और क्षेत्र में जो है पहली मूलभूत समस्या है आवागमन के साधन, जिनकी सबसे बड़ी कमी है उस क्षेत्र में, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो बहुत घूमा, लगातार 2-3 सालों से मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, हर गली को हर कूचे को मैंने देखा है। आपका मुकाबला रीवा रियासत के राजा से किस तरह से रणनीति बनेगी कि आप जो है, पिछला कारनामा हुआ था कि राजनीति के राजा श्रीनिवास तिवारी को जनता ने हराया था, और अब आपको रीवा रियासत के राजा को हराने की जिम्मेदारी है। देखिए प्रजातंत्र में सभी एक हैं, प्रजातंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तो फैसला जनता का होता है, और जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा वो निश्चित रूप से उसको जनता विजयी बनाएगी। जनता का हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, और जनता निश्चित रूप से हमारे ऊपर विश्वास जो है दिखाएगी, ये आपको 3 दिसंबर को ऐसे ही भी क्लियर हो जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।